ओम साई राम। मैं श्रद्धा साई, साई पूजा चैनल के माध्यम से आज हम लोग ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूट करने आए हैं और अभी टाइम हो रहा है 10:17 और अभी हम लोग बुजुर्ग लोगों को ब्लैंकेट बांटेंगे और आज 18 है डेट और 18 जनवरी। हाँ 18 जनवरी। आप लोग भी ऐसे ही नेक कार्य करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। किनको आप बांटने जा रही हैं? बुजुर्गों को। हाँ ये सारे यहाँ पे खड़े हुए हैं, उन लोगों को देने जा रहे हैं। तो आज 18 उड़ा दो, दादी को उड़ाओ। श्रद्धा साई डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, 18 जनवरी है और लाइव नहीं आ पाई हूँ क्योंकि आज बहुत नेटवर्क प्रॉब्लम है यहाँ पर। जिनको मिल जाए, ये बुजुर्गों को श्रद्धा पहना रही है। भाई आप भी गाइड हो जाइए, आ जाइए, आ जाओ दादा, आ जाओ सामने लाइन से आइए, जो जिनको जिनको मिल गया है आ जाओ। वशु इनको आगे करो। ये बुजुर्गों को ब्लैंकेट्स बट रहा है जाड़े में, ठंड में, कड़कड़ाती हुई ठंड, जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत ठंड है यहाँ पर। और हम लोग बुजुर्गों को जो 55 साल 60 साल से ऊपर हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो आप क्या कहेंगी? हाँ हाँ, पैर मत छुइए, पैर मत छुइए। नहीं नहीं दादा, पैर मत छुइए, पैर मत छुइए। हाँ हाँ हाँ, क्या कहना चाहेंगे? चलो ये चल नहीं पाते हैं। तो बुजुर्गों की मदद की है साईं पूजा चैनल टीम ने और श्रद्धा भी इस ठंड में मेरे साथ लगी हुई है। खुश श्रद्धा साईं, ये बुजुर्गों को, ये बुजुर्ग औरतों को इस ठंड में ब्लैंकेट्स दे रही है। ओ भैया पीछे हो जाओ। आशीर्वाद दो मेरे बच्ची को, इनको भी दो, एक शॉल इनको भी दो। चलो तो आप लोग खुश हो अम्मा? तो श्रद्धा साईं इस वक्त 11 बज रहे हैं। तो इस कड़कड़ाती आप देख रहे हैं कितना फॉग है यहाँ पर, बहुत ठंड है। इस तरह के नेक काम आप भी करें और दया में साईं बसते हैं। ओम साई राम। मैं साईं पूजा से श्रद्धा साईं और अभी 11 बज रहे हैं और रात में बहुत ठंड हो रही है और हम लोग ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूट करने आए हैं और आज 18 तारीख है। आप लोग भी ऐसे ही नेक काम करते रहिए और साईं पूजा चैनल देखते रहिए। आज लाइव जो है हमारा नेटवर्क खराब है।
थी इतनी रात में? घर जा रहे थे। तो इनके पैर इस तरह के जो लोग हैं जिनको आपकी जरूरत है, ये मैसेज आप बोलो। आप सबकी इनको, इन लोगों को बहुत जरूरत है आपकी हेल्प की, ऐसे ही आप लोग हेल्प करते रहिए, बुजुर्गों की मदद करिए, बुजुर्गों की मदद करते रहिए। आप सबकी इन लोगों को बहुत जरूरत है, आप लोग बुजुर्गों की हेल्प करते रहिए। और अभी बहुत ठंड पड़ रही है और हम लोग रात में ब्लैंकेट बांट रहे हैं, आप भी ऐसे ही नेक काम करिए। इन लोगों को आपकी जरूरत है, ऐसे लोगों की मदद करिए, बुजुर्गों की मदद करिए। ओम साई राम, जय साई। इतनी सर्दी है कि यहाँ लोग पन्नी ओढ़े लेटे हुए हैं। आप देख सकते हैं ये पन्नी ओढ़ के लेटे हैं और इनके पास सिर्फ शॉल है। तो आप भी ऐसे ही नेक काम करिए और अरे तो सो रहा है तो मदद करना है उसकी। हाँ तो ऐसे क्यों बोल रहे हो आप? नहीं, हम सोचे कि आप सरकार से शिकायत करेंगे। नहीं 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 नहीं, उसको ब्लैंकेट छुड़ा रहे हैं। इतने बुरे काम हम लोग नहीं करते। नहीं काम तो इनको ब्लैंकेट श्रद्धा ने उड़ा दिया। इनको लगा, ये बुजुर्ग अंकल जी को लगा कि हम लोग इनकी शिकायत कर रहे हैं रोड पे सो रहे। तो मैं बता दूं, ये इनको पन्नी में सो रहे थे तो मैंने इनको ब्लैंकेट उड़ाया, मतलब श्रद्धा ने उड़ाया, जैसे कि आप देख पा रहे हो। अभी ठीक लग रहा दादा? इनको दिखाई नहीं देता है और बहुत अच्छा लगता है कैसे भी मदद करने में। तो आप भी ऐसे ही हेल्प करिए और पापा आपकी जरूर सुनेंगे, फिर तो जल्दी से सुन लेंगे। तो ऐसी मदद करिए, मुझे इन जैसे लोगों की सेवा करना बहुत अच्छा लगता है। जब तक मेरे दम में मेरी सांस है, मैं काम करती रहूंगी। ऐसे ही नेक काम करें। ओम साई राम, जय साई राम। तो ये बच्चा है जिसके पैर खराब है दोनों, और ये व्हील चेयर पे है। और श्रद्धा इनको भी कंबल देंगी। बहुत ठंड है, देखिए ज़रा कितना फॉग है। हम लोग आज श्रद्धा को भी मैं लेके आई हूँ कि आप सोशल वर्क करिए। कभी मैं ना हो तो मैंने अपने बच्चों को सिखा रही हूँ कि अगर मैं ना हो तो मेरा बच्चे ये कार्य छोड़ेंगे नहीं, ये काम हमेशा करेंगे। मेरे ना रहने पर श्रद्धा और अपने बच्चों को मैं शिक्षा दे रही हूँ। सेवा नाम साईं बंदे, अलग है साईं पूजा। हर जीवों में साईं बसा है, हर जीवों में साईं बसा है, कोई न लागे दूजा। अलग है साईं पूजा, अलग है साईं।